Hi guys. So we're here in Kaleichi today. आज Saturday है और finally पूरा हफ्ता हमने काम किया है तो आज finally हमें time मिला है कि हम बाहर निकलें थोड़ा सा explore करें. वैसे हम आए हैं काफी दफा पहले भी but we haven't really made a vlog on Kaleichi anyway so yeah. We thought we'll make a vlog and show it to you guys as well. So let's explore Kaleichi. कलेची आके पहली चीज़ जो आपने करनी है ना वो है कि कलेची पैनोरामे के एलिवेटर पे ज़रूर आना. यहाँ से आपको कलेची का पूरा व्यू नज़र आ जाता है और यहाँ पे एलिवेटर भी है ज़ाहिर बात है जो कि आपको ओल्ड टाउन पे ले जाती है जहाँ पे मरीना है. यू कैन वॉक देयर, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, यू कैन हैव फूड इज़ वेल और दिस इज़ द व्यू. सारा अंतालिया एक तरफ और कलेची एक तरफ, यहाँ की वाइब बहुत डिफरेंट है, यूनिक वाइब है. यहाँ पे पहली बात तो आपको टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और यहाँ पे अदरवाइज भी आपको ना क्रिएटिव्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, आर्टसी पीपल, थोड़ी हिप्पी वाइब है यहाँ पे. इट्स वेरी यूनिक. सो एलिवेटर के बाद दूसरी जगह जो आप विजिट कर सकते हो वो है अंतालिया मेवलिहाने म्यूजेसी. क्या है, आई विल शो यू. फिर से जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे मौलाना की कमिटीज़ बैठा करती थी जहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर और आफ्टर दोज मीटिंग्स वर एडजर्न तो ये क्वेश्चंस वगैरह सब हट के यहाँ पे उनका एक रिचुअल हुआ करता था. और दिस इज़ अ वेरी यूनिक लॉज हेयर इन कलेची एंड अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यूर हेयर यू मस्ट विजिट इट. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट्स ओपन टिल 7. यू शुड कम हेयर एट लीस्ट वंस. ओके सो द थर्ड प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो इट इज़ द ओल्ड बाज़ार. सिमिलर टू इस्तांबुल का ग्रैंड बाज़ार, यहाँ पे भी एक ओल्ड बाज़ार है जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो. रिलेटिवली चीप बट नॉट रियली. अगर आपको लोकल जबान नहीं आती तो दिल रिप यू ऑफ एनी वेज. इट्स अ गुड प्लेस दो, सुवेनियर्स वगैरह उठाने के लिए अच्छी जगह है. जस्ट लाइक दिस Thank you. So yeah, it's a nice place to at least. It deserves a visit. अंतालिया ऑन होल की एक बहुत फिट बात यह है कि यहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा फ्रीम्स मिल जाते हैं, बेकरी आइटम्स मिल जाती हैं रोड साइड के ऊपर और दिस वॉज वन ऑफ दैम. बहुत बहुत प्यारी स्मेल आ रही थी. एकदम बहुत अच्छी स्कार्फ की दुकान है. आई वांट टू बाय दिस स्पेसिफिक कलर इस स्पेसिफिक मटेरियल में. लेट्स सी के पास है. यू लाइक दिस कलर? आई डू बट आई थिंक थोड़ा सा और लाइट कलर चाहिए. मैं देखती हूँ. मैंने दो स्टार्स लिए. सो अभी हम यहाँ आके बैठे हैं सी फूड खाने के लिए. सो सीन ये हुआ था कि
जो लास्ट टाइम हम लोग कलेजी आए थे ना, तो बिल्कुल एक सामने रेस्टोरेंट है ना, इस हर रेस्टोरेंट में ना यहाँ पर एक चीज़ है कि बाहर एक सेल्स का बंदा खड़ा होता है एंड वो ट्राई करता है कि आप उसके रेस्टोरेंट में आ जाओ। तो लास्ट टाइम मुझे सामने वाला बंदा था ना, फनी स्टोरी है, उसने हम लोग को रोका, कहता है तुम्हारा जो हस्बैंड है ना ये किसी और के साथ ही आया था, एंड वी वर लाइक विद द हेल्प, मतलब हम लोग यहाँ पहले आए नहीं बट ओके। तो मतलब उसका अपना टैक्टिक था, तो वी सॉर्ट ऑफ रिमेंबर्ड इट, और वो कह रहे थे कि अभी आपने आना भी नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम याद रखना दुकान का नाम, इधर ही आना। अभी हम लोग ओल्ड बाजार गए थे और उधर से मैंने कुछ खरीदा। क्या खरीदा है? मैंने स्कार्फ्स खरीदे हैं। सो आई वॉज लुकिंग फॉर दिस कलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और मुझे ये कहीं भी नहीं मिल रहा था, ऑनेस्टली, लाइक दिस स्पेसिफिक कलर इज ना बहुत ज़्यादा, लाइक देर लाइक फोर लाइट कलर्स इन डिफरेंट शेड्स, आई वॉन्ट दिस वन, दिस लिटिल विट पर्पल इज बट नॉट रियली, मुझे मिल गया फाइन, एंड आई गॉट टू जस्ट सो आई कुड बार्गेन, क्योंकि वो मुझे एक 60 लीरा का बता रहा था, और बाय द वे लास्ट टाइम उसने मुझे 70 लीरा बताया था, बट दिस टाइम आई स्पोक टर्किश, आई वाज लाइक निकदार, आई डिडंट से हाउ मच, एंड व्हेन आई सेड निकदार ही सेड 60, एंड व्हेन ही सेड 60 आई वाज लाइक ओके आई विल गेट टू बट फॉर 50 ईच आई सेव 20 लीरा। अभी हमने सीब्रीम ऑर्डर किया, हमने सीब्रीम ऑर्डर किया और साथ हमने फ्राइड श्रिम्स ऑर्डर किए, और उसके बाद हम लोग खाएँगे कुनाफा। यार सोनी का ना बैटरी का काफ़ी इशू है, अब बैटरी ख़त्म हो गई है। अच्छी अच्छी क्वालिटी है वैसे इसकी यार। Okay, so we have two more things to show you. Hadrian's Gate, first of all, जो गेट बहुत प्यारी सी चीज़ है, we'll show you. And also the cute little cobblestone streets of Kalaji, not really a thing, but a thing. Proper vibe, वहाँ की वहीं से vibe आती है basically old town. About Kalaji, the streets. Yeah, yeah. Because streets पे shops वगैरह भी हैं, like pubs हैं और restaurants वगैरह बहुत ज़्यादा हैं. अच्छा अब काफ़ी लेट हो गया है तो रात को नज़र भी नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा ज़्यादा, तो आई विल कम अगेन टू शो दो थिंग्स सम अदर डे। इस व्लॉग में डलेंगी लेकिन कुछ दिन बाद शूट होंगी। सो या नेक्स्ट प्लेस दैट यू मस्ट विजिट व्हाइल यू आर इन कलेजी इज द हेड्रियंस गेट। This gate was built in the year 130 to welcome the Roman Emperor Hadrian.
Once you walk through these gigantic arches, you'll enter the heart of Kalaichi. यहाँ पे आपको बहुत से रेस्टोरेंट्स, पब्स, कैफेज और शॉप्स मिल जाएंगे। एंड एज आई सेड बिफोर, इस जगह की वाइब इज अनमैच्ड। So that's it guys, these are the 5 places that you must visit while you're in Kalaichi. I hope you enjoyed the video, I'll see you in the next one.